स्पीड थ्रिल्स होने वाला है। बैग बैग उठ जाएगा भाई, उठ जाएगा कोई बात नहीं, बट आज 300 टच करके ही रहेगा। प्रो राइडर 1000 अगस्त चौहान, बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कल से कि भाई इस बारे में बताइए आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था मूड व्लॉगिंग पे, मूड व्लॉगर्स पे, कि कैसे वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करी आमिर माजिद की, हमने बात करी UK 07 राइडर की जो ओवर स्पीडिंग करते हैं और कई बार ये ध्यान नहीं रखते कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है। आप सब लोगों ने उन तक मैसेजेस पहुंचाया, कई मूड व्लॉगर्स के मेरे पास DMs भी आए, एंड हैट्स ऑफ टू अनुराग फॉर दैट मैसेज। पर गाइज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट हुआ कैसे होगा। गाइज मैंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी थी, बिकॉज मेरा उद्देश्य वीडियो का ये नहीं था कि इस पूरे हादसे को हम इन्वेस्टिगेट करें, पर उद्देश्य ये था कि इससे हम सीखते क्या है और कैसे हम ऐसे हादसे अवॉइड कर सकें। पर क्योंकि बहुत सारे वीडियोज बन रहे हैं इस मामले पर, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा इस पर अपना ओपिनियन देना और इस मामले को एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ कुछ चीजें रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस फुटेज की जो अगस्त के कैमरे से निकाली गई है, जो बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट के ठीक पहले की है। जरा देखिए, थोड़ी ना यहाँ पे ना देख के बाहर ही बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना, अभी है तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे ना देख के चलानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो कार चल रही है ना वो भयंकर बिना इंडिकेटर दिए राइट लेफ्ट हो जाती है, तो थोड़ा देख के चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा लेफ्ट होकर चलेंगे, बीच में नहीं चलेंगे। और अगर वहां पे कार है ना और यहाँ पे मैं हूँ, वो 200 मीटर पहले ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे ताकि फुल सेफ्टी रहे। अगर मैं बाहर मुंह निकाल रहा हूँ ना तो उड़ जाऊंगा पीछे, तो अंदर घुसना पड़ रहा है।
हेलमेट दो का दे रहा भाई, ये हेलमेट की पैडिंग इतनी ढीली है मुझे लग रहा उड़ ना जाए बस ये। यहाँ से यूटर्न मार रहे हैं क्योंकि आगे ना यूटर्न नहीं मिलेगा, फिर सीधा 80 किलोमीटर के बाद मिलेगा यूटर्न। फुटेज में देख सकते हैं कि अगस्त्य बार बार ट्राई कर रहा था कि वो ओवर स्पीड करे, वो 300 की लिमिट पार करे। गाइस मुझे नहीं पता ये फुटेज में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, पर पुलिस की स्टेटमेंट इस पे जरूर आई है, अब जरा वो भी देखते हैं। 3 मई को जनपद अलीगढ़ पुलिस को थाना टप्पल क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक का एक्सीडेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर डेथ हो गई है, और इस संबंध को इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन की गई तो पाया गया कि यह युवक देहरादून का रहने वाला अगस्त चौहान है जो कि वीडियो लॉगिंग करता है और अक्सर 300 प्लस की स्पीड को हिट करने का टारगेट अपने वीडियो में दर्शाता है, जिसको लोग जो हैं रोचक रूप से इंटरेस्ट लेते हुए उन वीडियोज़ को देखते हैं। इस संबंध में यह भी पता चला कि इनके द्वारा एक वीडियो बॉडी वॉर्न कैमरा पहना गया था जिसको अथक प्रयास से पुलिस द्वारा आसपास छानबीन करके निकाला गया है, और उस कैमरे में यह पता चला कि इनके द्वारा 294 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड घटना के कुछ देर पहले जो है वो हिट की गई थी जो उसमें दर्शाई गई है, और इस संबंध में अभी भी पुलिस की जांच आगे जारी है। और इसमें यह भी बता दें रोड सेफ्टी के एंगल से मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर युवक इस तरह की स्पीड को रोड पर अपनाते हैं जो कि एक जोखिम भरा कार्य है। इन्हीं हाईवेज पर कई लोग अपने परिवार के साथ जिनमें महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, निर्धारित गति से उसमें चलते हैं, और उन लोगों को भी इस तरह की जो हरकतें हैं इससे काफ़ी परेशानी होती है। जहां एक ओर अगस्त चौहान की मृत्यु से उनके परिजनों में, उनके जान पहचान में के लोगों में एवं दोस्तों में एवं काफ़ी दुख की लहर है, वहीं जनपदीय पुलिस भी इस घटना पर इनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करती है। साथ ही यह सबको बताना भी चाहती है कि फिर और कोई युवक इस तरह की घटना का शिकार ना हो, इस तरह की असामयिक मृत्यु जो कि काफी दुख का कारण परिजनों के लिए बन सकती है, ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सभी को सचेत रहने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं। और साथ ही ये चाहते हैं कि निर्धारित स्पीड पर ही बाइकर्स और राइडर्स जो हैं अपनी मोटरसाइकिल इस तरह के हाईवेज पर जो हैं वहां पर स्टंट ना करें और नियमों का पालन करें। तो अब अगर आप दोनों चीजों को देखो तो कहीं ना कहीं साफ पता चल रहा कि पुलिस भी यही कह रही है कि हाँ अगस्त वॉज ट्राइंग टू ओवर स्पीड। और मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ पुलिस के मैसेज से कि परिजनों की परवाह हमें करनी चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि घर पे कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए ये हैशटैग भी हमने चलाया जो आप हर जगह फैला रहे हो, विच इज द राइट थिंग टू डू। पर जहाँ ऑडियंस को ये बात समझ में आ रही है वहीं क्रिएटर्स को भी ये बात समझने की जरूरत है कि ये मत बोलें कि ये ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ एक्सीडेंट। वो स्पीडिंग ट्राई कर रहा था, उसके क्या रिस्क हैं उस बारे में हम बात कर चुके हैं कि जानलेवा हो सकता है, पर वो एक्सीडेंट ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ या नहीं आई बिलीव वो इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट जो हेलमेट है वो चकनाचूर हो गया, बाइक की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर नहीं लगता कि ओवर स्पीडिंग पे हुआ होगा, क्योंकि ओवर स्पीडिंग पे होता तो बाइक की दुर्दशा कुछ अलग ही होती। पर जो भी है आई बिलीव किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, और ये टाइम भी नहीं है उस चीज़ को करने का। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी गलत है कि आप किसी साथी राइडर पे ब्लेम डालें कि वो वक्त पे नहीं पहुंचा या उसने भड़काया, वो भी बहुत गलत है। और ये भी ठीक नहीं है कि इस बारे में बात ही ना हो कि ओवर स्पीडिंग इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है मोटो व्लॉगर्स को भी समझनी जरूरी है, और मैं चाहता हूँ वो भी अपने हर वीडियो में इस हैशटैग को यूज करना शुरू करें कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट। नाउ अगस्त्य चौहान को अकेला छोड़ दीजिए,
उसकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना करिए। क्योंकि आई बिलीव कोई भी उससे रिलेटेड वीडियो कि उसकी क्या गलती थी, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, आई थिंक उसमें अब नहीं पड़ी है। जो पुलिस का मैसेज है मैं उससे अग्री करता हूँ और वही आगे लेके चली कि इससे सीखते क्या है। गाइस मैंने भी बहुत राइड करी है, बट जब भी हमने राइड करी वी डिड द राइड लाइक मेन। और जो मेन होते हैं वो राइड ऐसे नहीं करते, ओवर स्पीड नहीं करते। द रियल राइडर्स, द रियल मेन आर द वंस हु फॉलो द रूल्स। द रियल राइडर्स एंड मेन आर द वंस हु केयर अबाउट अदर्स ऑन द रोड। द रियल राइडर्स एंड मेन वियर द गियर। आप मेरे वीडियोज में देखते रहेंगे, पीछे जो है ये लाइट जो है इस पर भी बाइक बनी हुई है, इस पर लिखा हुआ है फोर व्हील्स मूव द बॉडी, टू व्हील्स मूव द सोल। और एक राइडर ही जानता है, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ अपना व्यू पॉइंट रखना बड़ा ज़रूरी है। बट अब आते हैं, और ये भी चीज़ वाजिब है कि कोई कितना भी प्रवोक करे, कितना भी भड़का है, आप अगर वो चीज़ कर रहे हो तो उसका ब्लेम आप किसी और पे नहीं दे सकते। दिस इज़ वेरी वेरी बैड, दिस इज़ अनफेयर। मुझे लगता है कि ब्लेम हमें इस कल्चर को देना चाहिए, इस मोटो व्लॉगिंग के कल्चर को, जो ओवर स्पीडिंग कल्चर है, ये जो स्टंट्स का कल्चर है, ये जो व्हीलीज का कल्चर है, ये जो कॉम्पिटिशन का कल्चर है। कल हमने बात करी UK07 राइडर की, आमिर माजिद की, पर आज मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाना जा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। एक पाकिस्तान के राइडर है ZS मोटो व्लॉग्स, उनके तो कहने ही क्या, वो अपने पीछे एक दोस्त को बिठाते हैं और उनको हेलमेट नहीं पहनाते और 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भी ज़्यादा जाते हैं। देखिए कान कैसे ऐसे लगता है फट जाएंगे अभी, सुनाई नहीं दे रहा। प्रॉब्लम हमें इस कल्चर से होनी चाहिए। एक और वीडियो में बियर बाइकर सैमी 299 की स्पीड क्रॉस करते हैं। इसी वीडियो में बियर बाइकर सैमी ये कह रहे हैं कि 200 से तो नीचे जाया नहीं जा रहा यार आज तो। क्या मजा हो रहा है, क्या मजा हो रहा है, क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, मतलब गाइस 200 के नीचे तो भाई मतलब मैं चला ही नहीं रहा हूँ, फुल पावर जा रहे हैं हम लोग। कोशिश है 299 का, अभी तक तो नहीं हुआ है, मजा आ रहा है। एक्सप्रेसवे में देख सकते हो भाई, ओहो ऑसम भाई, ऑसम फील हो रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हो गति लिमिट, स्पीड लिमिट है 100। ठीक है, अपना बाइक में तो 300 ही उठेगा। तो गाइस अभी मोटर लोइंग सेटअप पे आप लोग एंजॉय करो स्पीड को, ठीक है, स्पीड थ्रिल्स होने वाला है। एयर बैग उठ जाएगा भाई, उठ जाएगा कोई बात नहीं, बट आज 300 टच करके ही रहेंगे। और उसके बाद उसी वीडियो में ये भी कहते हैं कि डॉग कहाँ से आई, ये तो बड़ा रिस्की है। देखो डॉग इधर से आ गया, ये लोग भाई दिस इज टू रिस्की मैन। आपको समझ में आ रहा है कि इनका दिमाग कहाँ है। कुछ चीज को आप लोग दिल से चाहते हो तो उसके लिए ना कोशिश करता रहना चाहिए, यू शुड नेवर गिव अप। और बियर बाइकर सैमी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेवर गिव अप बट डोंट गिव अप योर लाइफ ऑल्सो। और कुछ लोग हैं जो ओवर स्पीडिंग के साथ साथ जब पकड़े जाते हैं तो उसका भी कॉन्टेंट बना के पोस्ट करते हैं, मैं पकड़ा गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, फिर मैं छूट गया। ये मोटो व्लॉगिंग कॉन्टेंट है। मैंने निखिल को कई बार कॉन्डेम किया है, बट मुंबई का निखिल में एक बात तो है, उसने कभी ये चीजें नहीं करी। एंड आई रियली वांट टू एक्सटेंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू दैट गाय, एंड आई थिंक ही इज इन द ट्रू सेंस द बेस्ट मोटरसाइकिल व्लॉगर ऑन यूट्यूब। ये स्ट्रीट बर्नर का स्टंट देखिए, और लोग ऑडियंस क्या है कह रहे हैं कि क्या बात है, मजा आ गया। और वो कह रहे हैं देखो मजा आ गया ना, पुरानी वाली फील आ गई ना। आई थिंक दिस कल्चर, दिस स्टंट कल्चर, दिस हाइप कल्चर, ये है असली वजह ऐसे हादसों की। इस कल्चर ने ली है जान अगस्ते की, किसी को ब्लेम देने की कोई तुक नहीं है। टर्बो एक्सट्रीम, इतने वेटरन मोटो व्लॉगर होने के बावजूद 300 की स्पीड मारते हैं, बार बार वो स्पीड मारते हैं। आई अर्ज टर्बो एक्सट्रीम बियर बाइकर सैमी टू रियलाइज, जैसे अनुराग बाबू भैया का मैसेज आया, उन्होंने रियलाइज किया, आई होप आप भी रियलाइज करें। और आई होप जो मोटो व्लॉगर्स की ऑडियंस है, मेरा तो ये लास्ट वीडियो है, पर आप ये ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो से जो भी आपने मैसेजेस ड्रॉ किए हैं, स्पेशली द हैशटैग घर पे कोई इंतजार कर रहा है, उसको फैलाते रहना जब भी आप ऐसा कुछ देखें। बिकॉज यही तरीका है इन मोटो व्लॉगर्स को बताने का कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, वी डोंट वॉन्ट दिस हाइप, वी वॉन्ट यू टू बी सेफ। प्रार्थना करता हूँ मैं कि फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि जब किसी के घर से कोई बच्चा चला जाता है, वो भी बिल्कुल यंग, तो उन पर जो गुजरती है वो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, बस उन पेरेंट्स के अलावा जो इतना बड़ा करते हैं अपने बच्चे को और अपने सामने और वो जाते हुए देखें, तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट चीज कोई नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज कोई भी अफवाह वाले वीडियोस ना बनाएं और फैमिली को पीसफुली इस फेज से
गुजरने के लिए बस अपनी प्रेयर्स में स्ट्रेंथ दें, ब्लेसिंग्स दें। और मैं ये भी चाहूँगा इंस्टाग्राम पे कि मैं ट्राई करूँ इस मामले पे मोटो व्लॉगर्स के साथ इंस्टाग्राम लाइव करूँ। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी अपने पसंदीदा मोटो व्लॉगर को मेरे साथ लाइव कॉन्वर्सेशन में देखना इंस्टाग्राम पे, तो उनको टैग कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू डू लाइव ऑन इंस्टाग्राम। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ हमें फॉलो कर लेना, जिससे आपको सारी रियल टाइम अपडेट्स और ये लाइव कॉन्वर्सेशंस देखने को मिल जाएं। मिलता हूँ मैं ऐसे ही बिग ऑफ ओपिनियंस लाता रहूँगा इस चैनल पे, क्योंकि ये है पीपो है, मैं हूँ आकाश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।